इस्लाम पर दीन पर कायम रहे और अल्लाह सुब्हान तआला उनको तौफीक अता फरमाए कि हम ये दीन की बातें खुद अमल करें और दूसरों तक पहुँचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्यों ना ऐसे नबी पर अनगिनत दरूद सलाम, जो नबी सिर्फ और सिर्फ आपके हमारे कामयाबी के लिए, आपके हमारे सही रास्ते पर आने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे खातिर तारीख में जो वक्तों की बारिश ऊपर हुई तो उस जुल्म को भी बर्दाश्त की और बस उनकी जबान से दुआ ही निकली कि उम्मत कामयाब हो जाए, मेरी उम्मत जन्नत में जाए, यही फिक्र थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों ना हो ऐसे नबी पर अनगिनत दरूद सलाम। साथी खबरदार शीर माओ बहनों, भाइयों बुजुर्गों, उलमाए किराम, प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, उसका काम है कि हम लोग जुमा जैसी बाबर कर फिर जमा अल्लाह सुबहान तआला हमारे यहाँ पर आने बैठने में कबूल करवाए और अल्लाह सुबहान तआला इसके बदले हमको दुनिया आखिरत दोनों की कामयाबी नसीब करवाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि आप हम जानते हैं कि जुमा के दिन अल्लाह के मुसलसल फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह को राजी करने की नीयत से, अल्लाह को खुश करने की नीयत से घर से उसमें जनाबत करे, यानी घर से सर से पानी लगाकर मस्जिद में आए और दोपहर तक नमाज पढ़ के बैठ जाए, यानी जुमा के दिन हो या कभी भी हम मस्जिद में आते हैं तो दोपहर नमाज पढ़ के बैठ जाए, क्योंकि ये मस्जिद का हक है कि तहियतुल मस्जिद को कहा जाता है। अगर फर्ज नमाज चल रही है तो डायरेक्ट फर्ज नमाज में शामिल हो जा सकता है, लेकिन और उसके साथ साथ फर्ज नमाज के लिए वक्त है, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना चाह रहे हैं तो सुन्नत मुअक्कदा आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह तहियतुल मस्जिद की अलग से जरूरत है, तो दो रकअत नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठना, ये मस्जिद का हक है। तो इस तरीके से जो दो रकअत नमाज पढ़ के बैठ जाए और बयान को खामोशी से सुने और बयान में कब आना है मस्जिद को, अजान से पहले, अजान से पहले मेंबर पे इमाम साहब खुतबा शुरू करने से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए। जुमे का अगर पूरा पूरा सवाब अगर हम चाहते हैं कि पूरा सवाब मिले, पूरा अजर मिले हमको, तो क्या करना है, जुमे की नमाज के लिए जो अजान दी जाती है अजान से पहले मेंबर पे जो इमाम साहब खुतबा शुरू करते हैं उससे पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए और सर से पानी नहा कर आए, उससे जनाब जिसको बंदे तौर पर नमाज पढ़ के बैठ जाए, यहाँ तक के बयान का खामोशी से सुने और बयान मुकम्मल ना हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पिछले जुमा से लेकर इस जुमा तक हमारे जो भी गुनाह हुए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम के तमाम गुनाह को माफ कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फजीलत हमारे हक में कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और एक चीज उलमा करम फरमाते हैं कि गुनाह कबीरा जो बड़े बड़े गुनाह है उन गुनाहों के लिए तौबा लाजिम है, यानी इंसान अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए और आजिज़ी और इंतिसारे के साथ अल्लाह के बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो तब जाकर कबीरा गुनाहों को भी माफ़ कर दिया जाएगा। तो बहरहाल इंशाअल्लाह हदीस में दरअसल अल्फाज़ यही है, उलमा इकराम उससे इस्तदलाल किए हैं। तो बहरहाल हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सगीरा कबीरा तमाम के तमाम हमारे तो पिछले जुमा से लेकर इस जुमा तक जो गुनाह पता लर्जिशे हुए तमाम के तमाम को अल्लाह माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामाई हम देख रहे हैं कि रमजान का महीना जैसे गुजरा, रमजान के महीने में हम आगाज की शुरुआत में कैसे थे और रमजान का महीना जब शुरू होके धीरे धीरे खत्म होने लगा और रमजान के दरमियान में हम कैसे थे और आज हमारी ईमानी हरारत कैसी है, ईमानी जो हरारत है जो स्पिरिट जिसको बोलते जो जज्बा है दीन का, तो उस वक्त से आप अगर हम कंपेयर करें तो कोई डिफरेंस नजर आता, कुछ फर्क है फर्क है। तो रमजान के महीने में हम
जिस तरीके से इबादत में हमारा दिल लगा हुआ था और जो जज्बा हमारा दिल का था और जो फुर्ती हमारे अंदर थी कि हम अमल करना कुछ करना कुछ इस्लाम दीन, तो वो चीज जो ना आपको नजर नहीं आई। तो इसकी क्या वजह है कि ईमान इंसान का बढ़ता भी है घटता भी है। ईमान क्या है? बढ़ता भी है घटता भी है, खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता। यहाँ तक कि इंसान कोई कबीरा गुनाह करता है तो अल्लाह के नज़र से फरमाते हैं कि उसके दिल में से ईमान गुना ऊपर चला जाता है और जब तक उसका गुनाह होता है तो उसके दिल में ईमान नहीं रहता। फिर वो गुनाह जैसे कर लेता है तो फिर वो दिल में ईमान आ जाता है, तो वैसे खत्म नहीं होता ईमान। तो कहने का मतलब ये है कि ईमान में कमी और पेशी ज्यादती और लगन जज्बा दीन का ईमान जो है कम भी हो रहा बढ़ रहा है। तो वैसी सूरत में आपको क्या करना है, कैसी भी हालत हो ईमान बढ़ रहा भी कम हो रहा भी, लेकिन हमारे जाहिर अमल में कोई कमी पेश नहीं आना, जाहिर अमल में कोई कमी पेश नहीं आना। उसकी अहम और इम्पोर्टेंट अमल ये है कि नमाजों में कोई कोताही नहीं। हम मानो या ना मानो, दिल माने या ना माने, जबरदस्ती हो या दिल चाह के हो, नमाज को नहीं छोड़ना है। नमाज को तो इंसान छोड़ दिया, जिसने नमाज को छोड़ा उसने कुफ्र किया। एक मोमिन के द्वारा एक काफिर है मुस्लिम के दरमियान फर्क करने वाली कोई चीज है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो सिर्फ नमाज को। तो लिहाजा नमाज को कायम करे तो इंशाल्लाह हमारा ईमान काफिर रहा। दुनिया को हम जानते हैं कि तौहीद, एक अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह कौन है उसको पहचान ले। आज इसी चीज की कमी है, आज इसी चीज की कमी है कि लोग इस तरीके से जो है ना वो असल में सियासत कर रहे हैं, सियासत रचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जाने अनजाने तौर पे जरा मजहब का इस्तेमाल करते हुए मजहब को मानने वाले जो भी लोग मानते हैं तो उन लोगों को भड़का कर लोगों को जो है क्या कहते हैं बरगला कर जो है ना ये गति पर रहना चाहते हैं, ये इनका मकसद है, इसका कुछ नहीं। तो इस रब को जब इंसान पहचान लेगा, जो खाली जिसने हमको बनाया उसको हम अगर पहचान लेंगे इंशाल्लाह, तो तमाम इंसानियत अगर उसको पहचान लेगी तो ये जो खुराफात है, ये जो मुश्किलात, ये जो इंसान जो परेशानी में जा रहा है, दिन ब दिन जो हालात गुजर रहे हैं, तो ये हालात इंशाल्लाह सुधर जाए। तो आप हम सब और जहाँ तक आवाज जा रही है, हमारे सरदार भाई है, मुस्लिम भाई जो भी है, उन सब के लिए पैगाम है कि हम सबको बनाने वाला रब्बुल आलमीन अल्लाह एक है। उस एक रब की हम मालिकत हासिल करें, उस एक अल्लाह को पहचान ले। अल्लाह को नहीं पहचानने की वजह से आज परेशानी है। अल्लाह कौन है, अल्लाह सुब्हानहू की साख कैसी है, उस अल्लाह को नहीं जानने की वजह से आज लोगों को जो है ना इश्काया जा रहा, लोगों को जो है अपने हिसाब से जो है उनका जहन बनाया जा रहा, लोगों को भड़काया जा रहा और लोगों को जो है ना मुंतशिर किया जा रहा। और इत्तेहाद जो इंसानों के दरमियान है, जो इंसानियत जो बोलते हैं, तो इस्लाम तो इंसानियत से आगे है। आज लोग हमको मिलते हैं और कहते हैं कि भाई इंसानियत इंसानियत, मैं कहता हूँ कि भाई इस्लाम के अंदर इंसानियत के खिलाफ और क्या चीज़ है, इंसानियत के अलावा इस्लाम में कुछ और है क्या? इस्लाम में इंसानियत के अलावा कुछ और है? कुछ नहीं है। इंसानियत से बढ़ के कौन इस्लाम है? इंसानियत से बढ़ के इस्लाम है। इंसानियत का अगर हम मकाजा ले लें तो इंसानियत ये कहता है कि भाई दुनिया के अंदर ना कोई इंसान सामने वाला दूसरे इंसान को मार दिया तो एक इंसान को मारने का बदला उसको और एक सामने वाले इंसान को जो है ना फांसी दे दो, जो भी सजा है दे दो, मुल्क के हिसाब से जो भी कानून है तो उसकी सजा हो गई। ये इंसानियत बोल रहा, लेकिन इस्लाम ये नहीं बोलता। इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम जो है मासूम इंसान को मार डालते हो तो उसका मतलब ऐसा ही जैसे तुमने पूरी इंसानियत का खत्म किया, इससे बड़ी इंसानियत और क्या हो सकती है। इस्लाम में ये बात कही गई है वाज तौर पर कि अगर कोई इंसान मासूम इंसान को मार देता है तो
दुनिया की जो सियासत है या दुनिया की जो अध्ययन है, दुनिया का जो कानून है, उसको ये उसको सजा देता कि भाई एक इंसान को मारा तो उसका एक बदला ले लो, बस खत्म, उसको मारो या उसको जो भी सजा है। लेकिन इंसानियत से बेहतर जो इस्लाम, इस्लाम का फैसला ये है कि अगर तुम एक मासूम की जान ले लोगे तो वो ऐसा ही जैसे तुमने तमाम इंसानियत का ही कत्ल कर दिया। अब इस तरीके से इस्लाम के अंदर इससे बेहतर चीजें, एक मिसाल आपके सामने बयान किया, तो आज जो दम भरने वाले जो इस्लाम को छोड़कर इंसानियत इंसानियत का दम भरने वाले, इससे बेहतर कानून मेरे को लाके बता दे तो कानून नहीं। तो हमको चाहिए कि हमारा जो रब है अल्लाह, उस अल्लाह को हम पहचाने, अल्लाह की मारिफत हम हासिल करें, अल्लाह को पहचान लेंगे, अल्लाह की मारिफत को हम जान लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह का जो कानून है इस्लाम उसको हम समझ जाएंगे, उस पर हम अमल करेंगे, उस पर अमल करने के लिए हमको आसानी होगी इंशाल्लाह। हम कोशिश ये करना कि भाई इस्लाम को हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ आदम की औलाद, अगर तुझको लोग ये कहे तो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करे तो कभी ना करना, कभी अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना माबूद ना बनाना, यहां तक के तेरे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिए जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिए जाए, लेकिन तू इस्लाम को नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना इस्लाम को? इस्लाम सलाम और सिल्म के दो लफ्जों से आया, सलाम और सिल्म के दो लफ्जों से आया। सलाम यानी अमन, सिल्म यानी सौंप देना, अमन के साथ अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना, अमन के साथ जो रब ने हमको पैदा किया, रब के कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी को जो ना गुजारने के लिए हम फैसला कर लिए, ये इस्लाम है। और जिस जिस तरीके से जो तस्लीम कर लेता है इस्लाम इस्लाम को, उसे कहते हैं मुसलमान, उसे मुसलमान कहते हैं। मुसलमान लोगों को मारने वाला मुसलमान नहीं है, लोगों से गाली गलौज करके बात करने वाला मुसलमान नहीं है, लोगों को जो है ना उनकी जो इज्जत है इज्जत से उनको गिरा के देखने वाला मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो नहीं है जिनके हाथ से जो है दूसरा सामने वाला मुसलमान महफूज ना हो, मुसलमान वो नहीं है जिसके शर की वजह से उसका पड़ोसी उससे जो है बेजार हो नाराज हो, वो मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान नहीं है जिनके माँ बाप उनसे राजी ना हो, वो मुसलमान नहीं है जो अपने भाई अपने भाई से नाराज हो। मुसलमान तो वो है जो अमन के साथ रहे, खुशी के साथ रहे, शांति के साथ रहे, एक दूसरे के साथ भाईचारगी से रहे, एक दूसरे को मिला कर लेके चले, ये है मुसलमान। और वही इस्लाम है, इस्लाम यही तो बोलता कि तमाम इंसान अल्लाह के बारगाह में सब बराबर है। लेकिन अल्लाह में महबूब कौन है? पैसे वाला, मालदार, खूबसूरत, कौन है जी अल्लाह को पसंद? इतना अक्रम इंदल्लाह ही अक्ता हो, अल्लाह को वो इंसान पसंद है जो अल्लाह से डरता है और अपने आप को गुनाहों से बचाता है, चाहे वो गुनाह इंफरादी अपने सजा की हो या ऐसा गुनाह जिसके वजह से पूरा माशरा परेशान हो जाए, कौन से भी तरह का गुनाह है, उस गुनाह से बच जाए और अल्लाह से डर जाए। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करता है, अल्लाह उसको तो ऐसे बंदे पसंद है। अमेरिका वाले अल्लाह को पसंद है, हिंदुस्तान वाले पसंद नहीं है, पाकिस्तान वाले पसंद है, सऊदी वाले पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह की नजर में, अल्लाह की नजर में सब इंसान बराबर है। लेकिन कौन अल्लाह को पसंद है? इतना करना तुम इंतल्लाह ही अतकाकुम, जो अल्लाह का डर इख्तियार करे, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करे। जो रमजान के अंदर पूरे रमजान के महीने का जो मकसद जो बयान किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, जो तक्वा इख्तियार करे, अल्लाह से डरे, गुनाहों से बच जाए, वो इंसान अल्लाह को पसंद है, वो इंसान अल्लाह को पसंद। यानी जो इस्लाम पर अमल करता है इंसान, इंसान जो इस्लाम पर अमल करे वैसे इंसान को अल्लाह पसंद और फरमाते हैं, दूसरों को नहीं। आज माशरे को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, आज दिलों के अंदर
जो थोड़ी बहुत मोहब्बत बाकी है ना, उस मोहब्बत को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है और अल्लाह की कसम, इस मुल्क को जो है कोई तबाह नहीं कर सकते जब तक मुसलमान इस मुल्क में है, जब तक इस्लाम पर हम चलेंगे, जब तक इस्लाम की हम तबलीग लोगों तक करेंगे इंशाल्लाह, इस मुल्क को कुछ नहीं होने वाला इंशाल्लाह। हम आपस में लड़ेंगे ना इंशाल्लाह, लड़ेंगे ना, चाहे सियासत चाहे कोई भी कितना भी चाहे कितना भी जो है ना भड़काने की कोशिश करे, हम तमाम इंसान चाहे मुसलमान हो कोई या हिंदू भाई हो क्रिश्चियन भाई हो, हम सब ये है, हम सब आदम की औलाद है, हमारा ईमान है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जी ये। हम ये नहीं समझे कि भाई सिर्फ मुसलमान ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाइए, हम मुसलमान है। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई जो हमारे पड़ोसी है वो भी हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है, उनका भी खून हमारे लिए जायज नहीं है, उनका भी एहतराम करना है, उनकी भी हम इज्जत करना है, उनके भी माल की जान की इज्जत और आबरू की, उनकी औरतों की उनके बच्चों की उनके जो है ना जायदाद की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। पड़ोसी है हमारा, तुम्हारा पड़ोसी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम्हारा पड़ोसी खाली पेट सो जाए और भूखा रहे और तुम मस्त खा के सो जाओ तो मोमिन नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते। आप भला बताइए सामने वाले हमारे कोई भी हो, मुसलमान हो हिंदू कोई भी हो, अगर उसको आके कोई बरगलाए उसके ऊपर जुल्म किया जाए उसके ऊपर ज्यादती की जाए क्या हम उसको बर्दाश्त करके, नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में पढ़ा है कि जालिम की मदद करो, जालिम की मदद, ये तो आपने जुल्म कर रहा पहले तो जुल्म कर रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिम की मदद करो बोल रहे हो कि पहले तो जुल्म कर रहा, आप फरमा रहे हैं कि जालिम की मदद करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जालिम की मदद तुम इस तरीके से करो कि उसको जुल्म से रोको, वो तो जुल्म कर रहा ना हक के सामने वाले पे, जुल्म करने से रोक दो उसकी मदद करें, जैसा बता रहा है उसकी अच्छाई के लिए आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए आप मदद कर रहे हैं, तो ये मदद करो अल्लाह के नबी, तो कहना ये चाहता हूं मैं कि आज इस्लाम के ऊपर जो है इतने इतने गलत फहमियां इतने इतने जुल्म इतने जो है, अब मैं बोलने के लिए कोई बाकी नहीं रहा, आप सब लोग जानते हैं, तो इन हालात में आपको क्या करना है, इन हालात में आपको अमन कायम करना है, इन हालात में इस्लाम का जो पैगाम है तमाम इंसान तक पहुंचाना है, दूसरा कोई और काम नहीं है, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को जानता है हर मुसलमान जानता है इस चीज का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की सिवा इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इस पैगाम को तमाम इंसानों तक पहुंचा दे और इस बात को हम सब तक पहुंचा दे कि वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया महज हमारी इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह ने तमाम इंसान को पैदा किया, तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है जो अल्लाह की इबादत नहीं करते उन तक इस बात को हम पहुंचा दे। बस एक चीज क्या हम जोर को तलकीन करें, अनंत सृष्टि करता वो कड़े ला इलाहा इल्लल्लाह, सृष्टि सृष्टि करता वो कड़े आलोक को सृष्टि करता तरफ तब पर मेरे सृष्टि करता ये पर मिली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनंत सृष्टि प्रवक्ता चिवरी प्रवक्ता चित्त चिवरी प्रवक्ता, इस पैगाम को सब तक पहुंचा रहे, इस पैगाम को पहुंचा रहे। इस्लाम का मतलब अमन और शांति, इस्लाम सलाम और सिल्म के दो लफ्जों से आया, सलाम यानी अमन, सिल्म यानी सौंप देना, इस्लाम सलाम और सिल्म के दो पदार्थों से, सलाम के शांति, सिल्म के समर्पण, शांति का अल्लाह का आग्रह लेते हो तो मन अंदर सृष्टि का आग्रह लेते हो तो आठ प्रकार का मन जीवन कर पाली, अरे इस्लाम इस बात को पहुंचा रहे हैं, हम कामयाब हो जाएगी, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। ये काम को जहां पर छोड़ दिया गया वहां पर जुल्म और आबरू,
जहाँ काम जारी है वहाँ अल्लाह आदमी की हिफाजत कर रहा है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा है, हमारी सोच और हमारे जो लोग बोलते हैं वो बात सच्ची है। अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह के पैगाम है लोगों तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह कौन है भाई, जब से बोल रहे हो सब अल्लाह अल्लाह कौन है, ये वरण ही अल्लाह के अपने चुप्तार हो। अल्लाह माता विनाली, अल्लाह से पूरा चेयरे, अल्लाह के पूरा करना चीज उचारी, अरे अल्लाह ने वरण दी सवालों का जवाब के देना। अल्लाह सुबह सुबह इखलास को फरमाते हैं, औसु बिल्लाह इब्न शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, कहो अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, चपड़ी अल्लाह को पकड़े, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का मतलब हम सबको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं। अब नमाज पढ़े भी अल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पढ़े तो अल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाज पढ़ने से अल्लाह की दुनिया पढ़ाई बयान नहीं कर सकते, बयान हम करेंगे लेकिन अल्लाह की जो बढ़िया पढ़ाई है उसके अंदर कोई ज्यादा भी नहीं होती। अल्लाह की बादशाहियत और अल्लाह की किरदारी अपने दिल में बना सकते हैं, उसकी इबादत कर रहे हो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मन मंदिर में अल्लाह में ज्यादा करना, अल्लाह में ज्यादा पढ़ ले, लंबे वाले की अल्लाह किसी की औलाद नहीं और अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह की सत्ता का भाई अल्लाह के सत्ता को ले वाले को लोग कुफाना, अल्लाह के बराबर कोई भी नहीं, अल्लाह की कोई किस्म बयान नहीं कर सकते कि अल्लाह सुभान ताला इस झाड़ की जैसा है, अल्लाह सुभान इस पहाड़ के जैसा है और इधर अल्लाह रब्बा है कि लाइस का मिसल शरी, अल्लाह को पूछकर ये दिल ले लो कि अनंत की सृष्टि सृष्टि करता आकाश को लगता है, सूर्य को लगता है, चंद्र को लगता है, आसमान को जमीन को जानवरों को पहाड़ों को सबको बढ़ाने वाला एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये तमाम चीजें मखलूक है, खालिक कोई और है जिसने पैदा किया, ये चीजों की हम इबादत नहीं करते। इन तमाम चीजों को जिसने बनाया अल्लाह उसकी हम इबादत करते हैं। इस पैगाम को सब तक पहुंचाएं इंशाल्लाह, पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करें पहुंचाए। इंसान होने के नाते इंसान के थोड़े तकाजे होते हैं, थोड़ा खौफ और उसके साथ साथ शैतान का अपना वसवसा, ये तमाम चीज उसकी इंसान के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन इन चीजों को हम पार करके, इन चीजों से हम जीत के इंशाल्लाह रब के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएंगे। और आज जो माशरे के अंदर जो बिगाड़ पाया जा रहा है, आज जो माशरे को जो है बड़ा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम होने नहीं देंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह सुब्हान व तआला जो भी हम इस्लाम पर चल रहे हैं अल्लाह तआला इस्लाम पर चलने पर हमको आसानी फरमाए और अल्लाह सुब्हान व तआला हमको ईमान की जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे जाने अनजाने में, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में जो भी गुनाह खता हमसे हुए हैं अल्लाह सुब्हान व तआला तमाम के तमाम गुनाहों को तौबा के लिए उसको माफ फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला अपनी रहमत से जो हमारे मन को बख्शिश फरमाए और अल्लाह सुब्हान व तआला हमको बच वक्ता नमाजी बनाए और अल्लाह सुब्हान व तआला जो दुनिया से हमारे तौहीद पर मुसलमान आए जो दुनिया से चले गए अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी कब्रों को नूर से भर दे और अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे जो वालिदैन बहयात है अल्लाह सुब्हान व तआला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और अल्लाह सुब्हान व तआला उनको हमारे सर पर साया रखे और अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे औलाद को हमारे घर को हमारे आंखों की ठंडक बनाए और अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे माशरे के अंदर जो जोड़े थोड़े की रकम जो भी रिवाज है जिसकी वजह से हमारे किसी नौजवान लड़कियाँ तो कुमारी बढ़ने में अल्लाह सुब्हान व तआला नेक जोड़ा अता फरमाए और जोड़े थोड़ी की जो रकम है ये जो लेना देना ये तमाम चीज़ें अल्लाह सुब्हान व तआला तमाम चीज़ों को जो हमारे माशरे से खत्म कर ले और अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी जो है हिफाजत फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला हमको ईमान की जिंदगी और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की मौत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله